में जमा करके जगनेड़ी में जाके ना कैसे मैं तुम्हें सान नहीं देते थे फिर तक आदमी के सजे ये हमारी जो 10 करते नहीं तक मेरी ये नहीं लाल देते या लाल दिन नहीं देते उधर आटा इस ओर का था तो जो कटी है ना कुछ भी और दूर से है वर के पता लग जाए तो कुछ कह लड़ी जाए वो फौजियों के नेड़े कुछ कह नहीं आए गुंडी पान छटते ना फिर खा नहीं तो आदमी खरा खाया नहीं पकड़ता कट भी नहीं होता। अच्छा जी अंतराला के बारे में समझाओ थोड़ा जता है लाला अंतराला बारे में थोड़ा थोड़ा जोड़ा है ना जी इसका छिलका छोड़ना पैंदा ना। अच्छा अगर छिलका ना छोड़ सा तो फिर मिठास नहीं रहती। अच्छा छिलके की वजह तो पासे जुलता है फिर चीज अंतराला की मिठास होती है लेकिन गप शप भी है ऐसे बड़े बुजुर्ग बुढ़ेरे जड़े है इसको बाल्टी भी जड़ी लस्सी पी भाई ये तो साइंस तक के फायदा होता है त्राड़ा भी लस्सी इस वास्ते होती है कि चूंकि सिल्ट जड़े होने गर्म होने थोड़े और इंसान का मतलब लस्सी नाल पीती बेहतरीन मतलब नींद भी आती है। अच्छा ये जी हजारे का खूबसूरत कल्चर त्राड़ और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हमको नहीं समझ सकते ये एक ट्रेडिशनल किस्म की गेट टुगेदर है जिसमें मकई के जो कॉर्न की पूरी जो है वो पकाई इस तरह से की जाती है खेतों में बैठ के दोस्त अहबाब मिल के बैठते हैं और वो सिटे जो हैं वो इस तरह आग के जलते अलाव में फेंक दिए जाते हैं और उसके बाद काउंट नहीं करते कि कितने खाने और कितने खा जाते हैं। रिवायतें यहाँ पे हज़ारा डवियन के अंदर इतनी हैं कि एक एक बंदा जो है वो बाज़ औक़ात 50-50 तक जो है वो सिटे खा जाता है और यकीनन माजी में ऐसा होता होगा आज तो मेरा ख्याल है एक दो भी अगर कोई खा ले तो बड़ी बात है लेकिन अब भी ज़मींदार लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो इस त्राड़ का बड़ा अहतमाम करते हैं और उस में बहुत ज़्यादा सिटे जो हैं वो खाए जाते हैं और ये अभी आपके सामने पक जाएंगे आपको आज हम लाइव दिखाएंगे। सोना हज़ारा आपको हज़ारा की इस दम तोड़ती रिवायत के हवाले से बता रहा है और इसमें कोई एक वॉलंटियर जो है वो सिटों की का ये तमाम एहतमाम करता है बाकी मेहमानों के लिए। आज सोना हज़ारा की टीम के लिए मानसरा के गांव ताजल में इसका भरपूर एहतमाम किया गया और दोस्तों ने जो है वो इस वक्त सारा दिन वेट करते रहे और कुछ वक्त ज़्यादा गुजर गया और थोड़ा अंधेरा हो गया मगरब के बाद इसका एहतमाम किया गया। आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और ये लजीज सिटे जो हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है वो खेतों से हैं और बड़े ही लजीज भी हैं और बड़े ही जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है। मुख्तलिफ़ लोगों का ख़्याल है कि इसके बाद लस्सी खालस लस्सी जो है वो पी जाती है और ये हज़ारा के तमाम इलाकों में लोग सीनियर जनरेशन के लोग जो हैं वो त्राड़ की रिवायत से भरपूर तरीके से वाकिफ़ हैं।